नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और बनाने में बिल्कुल आसान, किचन में रखे सामान से इस मिठाई को आप बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से। आपको ये मिठाई की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया एक चम्मच देसी घी, और इसके बाद देखिए हमने ये लिया है यहाँ पर गेहूं का दलिया। तो ये मेरा मार्केट वाला ही दलिया है, तो एकदम बारीक ही है। तो यहाँ पर मैंने लगभग हाफ कटोरी के आसपास दलिया लिया है, मतलब इससे कम ही है, लगभग 4 चम्मच आप मानकर चले। और इसको ऐसे घी के अंदर थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब 2-3 मिनट के लिए ही। और ये हल्का सा देखिए ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा, बस इससे ज्यादा इसको यहाँ पर नहीं पकाएंगे। और ये थोड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर इसके अंदर हम दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे इसके अंदर। और इसी के साथ में हम एक चीज और डालेंगे, यहाँ पर लिया है मैंने दूध की मलाई, और इसके बाद 1 चम्मच दही डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करके डाल देंगे दूध के अंदर। तो यहाँ पर दूध को हमें थोड़ा सा फाड़ना भी है, तो यहाँ पर थोड़ा दही हमने डाला है इसलिए, और ये हल्का सा फटना भी शुरू हो गया है। तो इसी से ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको ऐसे पकाएंगे 10-15 मिनट बाद ही ये अच्छे से दलिया इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, दूध दलिया के अंदर। और ये हमने लिया है गुड़, तो यहाँ पर आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मिठाई मैं गुड़ से बनाऊंगी, तो ये काफ़ी अच्छा सा इसके अंदर कलर भी आ जाता है, आपको कोई कलर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये 2-3 इलायची को मैंने तोड़ कर डाल दिया, अब इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये पकाने के बाद ही काफ़ी कलर देखिए इसका चेंज हो गया, जैसे जैसे गुड़ इसके अंदर पकेगा तो इसका हल्का सा ब्राउन सा कलर हो जाता है। और इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच देसी घी, और तो इससे काफ़ी अच्छी मिठाई बनती है लास्ट में अगर आप थोड़ा सा घी डालते हैं तो। वैसे तो आप इसको बिना घी भी बना सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए लगभग ऐसे पता चल जाएगा, पैन छोड़ना शुरू हो जाएगा लास्ट में, तो लगभग ये तैयार है। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद भी कर दिया है, मतलब थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको सेट करने के लिए किसी भी बर्तन प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा घी लगाकर या पेपर वगैरह ऐसे। तो यहाँ पर इसमें निकाल लेते हैं, तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कितनी दानेदार और सॉफ्ट अच्छी मिठाई बनी है ऐसे, मतलब मिश्रण मिठाई का। तो ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है, और पूरा आपको पता ही नहीं चलेगा आपने इसमें दलिया का यूज किया है, पूरा जो दलिया एकदम सॉफ्ट और उसमें दूध और एकदम मावे का सा टेस्ट आता है ऐसे। तो इसको सेट करके छोड़ देंगे, थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। उससे पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं इसके ऊपर, और कुछ देर ऐसे ही ठंडा कर लेंगे, मतलब 10-15 मिनट या 1-2 घंटे भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मिठाई कितनी अच्छी सेट हुई है। और यहाँ पर देखिए मिठाई को कुछ देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सेट होने के लिए, और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर ही रखा था ऐसे, और कुछ देर ठंडा करने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर मिठाई को। तो ये मिठाई थोड़ी सी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए आप बाहर ही रखेंगे तो उतनी अच्छी मिठाई बनती है। और यहाँ पर देखिए कट करके मैं दिखा रही हूँ, तो एकदम सॉफ्ट मिठाई बनी है। तो बस ऐसी मिठाई बननी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती है ये, एकदम कलाकंद जैसी दानेदार और बिल्कुल आसान सा तरीका, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें दलिया का यूज किया है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। तो यहाँ पर थोड़े से इसके पीसेस कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दलिया का यूज हमने इसलिए किया था ताकि इसमें थोड़ा सा स्टिकीपन सा बनता, जैसे आपने डोडा बर्फी खाई हो उस टाइप की बर्फी बनती है थोड़ी सी ये। और ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा तरीका है इस तरीके से बर्फी बनाने का, बिना चीनी आप गुड़ से बना सकते हैं, किसी भी त्योहार फेस्टिवल पर आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी दानेदार और सॉफ्ट और अच्छी मिठाई बनी है। तो इस तरीके से आप ट्राई करना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।